मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटीज के चलते बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। वहीं बारिश से तेज गर्मी से राहत भी मिली है। लेकिन इस बीच मॉनसून को लेकर एक और खबर आई है। अब मॉनसून के लिए एमपी वालों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है। मौसम विभाग पहले मॉनसून के एंट्री की तारीख 15 जून बता रहा था, लेकिन फिलहाल इसके तय समय से देरी से पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। बहरहाल रविवार के लिए मौसम विभाग ने एमपी के कई जिलों के लिए अलर्ट जारी किया है। किन जिलों को लेकर मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया है और किन जिलों में तेज बारिश होने के आसार है, हम आपको विस्तार से बताएंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं एमपी तक। शनिवार को मौसम विभाग ने 33 जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया था। वहीं रविवार को भी प्रदेश के 6 जिलों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बैतूल, खंडवा, खरगोन, इंदौर, देवास और बुरहानपुर जिलों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं प्रदेश के बाकी जिलों में भी गरज चमक के साथ तेज आंधी तूफान के आसार हैं। बात करें मानसून की तो महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी मानसून पहुंच गया है। 11 जून को दक्षिण गुजरात में नवसारी और वलसाड में मानसून की पहली बारिश हुई। वहीं एमपी के लोगों को मानसून के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। दरअसल मानसून की दोनों ब्रांच कमजोर हो गई है। यही वजह है कि इस बार मध्य प्रदेश में तय समय से 2 से 3 दिन के बाद मानसून आएगा। फिलहाल 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम एक्टिव है, जिसके चलते मध्य प्रदेश में आंधी और बारिश देखी जा सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी कि छिंदवाड़ा, पांडुना, सिवनी और बालाघाट से मानसून की प्रदेश में एंट्री होगी और फिर ये मानसून अन्य हिस्सों में पहुंच जाएगा। एमपी के बड़े शहरों की बात करें तो मानसून के 20 जून तक प्रदेश की राजधानी भोपाल में पहुंचने की उम्मीद है। वहीं इसकी 22 जून तक इंदौर और 24 जून तक उज्जैन में पहुंचने के आसार हैं। फिलहाल तो प्री मानसून की बारिश के चलते प्रदेश के लोगों को तेज गर्मी से काफी राहत मिली है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें एमपी तक।